स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे टाइडल पावर के बारे में। तो आइए जानते हैं, तो ये है क्या? ये बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब ये खत्म नहीं होगा। जैसे कोयला आप जलाते जलाते खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होगा। ये एक तौर का हाइड्रो पावर ही है, बेसिकली आपका वाटर का डैम जो होता है ये उसी टाइप का है, और ये बस कंटिन्यूस पावर नहीं देता है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग विंड पवन चक्की बहुत साल पहले बनाते थे, मतलब पुराने जमाने, आदम जमाने की बात कर रहा हूँ, वैसे ही इसको बनाया जा चुका है कई सौ साल पहले, और आराम से इससे हम लोग चक्की पर चलाते थे जिससे गेहूं पीसा जाता था। तो ये सब किया जा चुका है, कई साल से किया जा चुका है। और इसका आप सोचिए कि ऊर्जा आ कहाँ से रहा है, तो जैसे कि मैंने जियोथर्मल के बारे में बताया था, जो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, जियोथर्मल में एनर्जी आती है मतलब रेडिएशन से, और धरती के क्रिएशन के टाइम, जिस टाइम धरती बन रहा था उस टाइम जो ऊर्जा फंस गई अंदर, वही धीरे धीरे लीक कर रही है। इसके केस में मून से वो पावर आ रहा है, मून की ग्रेविटी जो अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रही है, अर्थ के साथ जो उसका तालमेल है उसके चलते टाइड्स आते हैं। तो ये मून पावर है, बेसिकली सोलर पावर नहीं है, मून पावर है। तो हमें इतना इंटरेस्ट क्यों है इसके बारे में? पहला, टाइड्स प्रिडिक्टेबल है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए कि आपको पता हो वो कब से कब तक कितना बिजली देगा। आप ऐसे समझिए, आप भारत में रह रहे हैं, आपका लाइन आपको बता दिया जाए कि देखो भैया मतलब इससे इस टाइम तक लाइन नहीं कटेगा और इससे इस टाइम में लाइन कटेगा, तो आपका लाइफ काफ़ी आरामदेह हो जाएगा, काफ़ी आसानी से आपकी ज़िंदगी चलने लगेगा। आप आराम से अच्छे से इन्वर्टर ले पाओगे, जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा ना हो, आप इस तरह का सिस्टम लेके आप आराम से अपना काम कर सकते हो कि हाँ भैया इतना टाइम पावर कटेगा, इतने टाइम में हमको मोटर एसी नहीं चलाना है, इस दरमियान पावर आएगा, इस दरमियान मैं चलाऊंगा, मतलब आप समझ रहे हैं, आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो पावर के बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको पता रहना चाहिए कब आए, वो ये कर सकता है। और इसका लगभग ज़मीन का यूज़, ज़मीन कितना वो खाता है, ये लगभग बहुत कम से लेकिन लगभग ना के बराबर खाता है, क्योंकि इसके जो डिज़ाइंस हैं, इसमें कुछ डिज़ाइन है जिसमें टर्बाइन रखा रहता है, कुछ डिज़ाइन है जिसमें डैम जैसा बनाया जाता है, और डैम का रिजर्वायर जो बनता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब एक डैम के कंपेयर में वो छोटा होता है। और ये पुराना है, मतलब हम लोग ऐसे इसको कई साल से चला चुके हैं, मतलब पता है क्या है, कैसे है, पता है, अच्छे से पता है। तो ये काम कैसे करता है, आप बस ये समझिए। तो हमारे पास दो मेन डिज़ाइन है, बहुत सारे और डिज़ाइन पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो डिज़ाइन है, जिसमें एक पहला डैम, जैसे आपका सारा डैम होता है वैसा ही ये डैम है, बस अंतर ये है कि ये नदी से ना चल के इसमें ऐसा किया जाता है कि एक खाली जगह बनाया जाता है जो कि जिसमें पानी आता है हाई टाइड के दरमियान और लो टाइड के दरमियान वापस चला जाता है। जिस टाइम वो लो टाइड में वापस जा रहा है, मतलब यहाँ लो टाइड हो गया है लेकिन आपने हाई टाइड के दरमियान अपना पावर चार्ज कर लिया, मतलब आपका रिजर्वायर में फुल पावर हो गया, एज इन पानी खूब ऊपर आ गया, तो जब वो पानी नीचे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि अब इधर ग्रेडियंट है, तो उसको आप टर्बाइन के थ्रू ले जाते हैं, उस टर्बाइन को घुमा के आप बिजली निकाल ले रहे हैं। ये बेसिकली डैम जैसे ही है, बस कुछ कुछ डैम ऐसे होते हैं कि हाई टाइड में जिस टाइम पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उस टाइम बिजली निकाल रहे हैं, जिस टाइम लो हो गया और इधर पूरा पानी भर गया तो इसको ऐसे करते हैं, उससे भी निकाल लेते हैं। तो डिपेंड करता है डिज़ाइन किस तरह का डैम का है। तो ये थोड़ा ज़मीन खाता है जो कि आपको पावर बेसिंग बनाना है, लेकिन बहुत ज़मीन नहीं खाता, मतलब एक डैम के कंपेयर में तो नहीं खाता। और ये हम बात कर रहे हैं टर्बाइन के बारे में, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर होने लगा है। ये टर्बाइन तो सीधे सीधे ज़मीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, और आराम से आप लगा देते हैं समुद्र में। ये बेसिकली विंड टर्बाइन ही है, बस छोटा इसलिए है क्योंकि विंड हवा जो है, वायु जो है, उसमें बहुत डेंसिटी नहीं होती, उसमें मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा का हवा जितना पे जोर लगाएगा, पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलेगी तो ही उतना ही जोर लगाएगी, तो इसलिए इसको बहुत बड़े बड़े ब्लेड की ज़रूरत नहीं है। मतलब लगा सकते हैं बड़ा ब्लेड, लेकिन चांसेस है कि वो टूट जाएगा प्रेशर के चलते, और अगर टिक गया तो बहुत ज़्यादा बिजली मिलेगी। तो ऐसे ही काम करता है, या तो इसका टर्बाइन बनाए जाते हैं या तो डैम बनाया जाता है। तो ये दो तरीका है हमारे पास, कई और तरीके पे भी काम हो रहा है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है। पहला नुकसान है कि बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है इकोसिस्टम को, मतलब जो मछली का ज़िंदगी चल रहा है, खास करके मान लीजिए अगर वहाँ से मछुआरे लोग का रोजी रोटी चल रहा है तो वो तो ख़त्म हो जाने का खतरा रहता है। और आप देख सकते हैं जैसे सी वीड इसमें फंस गया अगर कभी, तो ये ना ही
आपका टरबाइन को स्वाहा कर देगा, लेकिन वहाँ पे सीवीड हो जाएगा जहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब कुदरत में हर चीज़ का बैलेंस रहता है कि मतलब यहाँ पे सीवीड है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ के वो सारे लोकल लाइफ प्लांट लाइफ को डैमेज कर देगा। तो इसलिए ये बैलेंस बिगड़ जाता है जब ये करते हैं। और आजकल के डिज़ाइन में कोशिश की जा रही है कम से कम नुकसान हो, क्योंकि बड़े मछली और ये सब तैर के बाहर निकल सकते हैं ये सबसे, लेकिन छोटी मछली इसमें सीधे घुस जाएगी तो गई, तो उस कारण से इकोसिस्टम पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, इस पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना आपको सीधे सीधे लोन उठाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने अपना सोलर में वीडियो जो बनाया है उसमें ये मैंने बात की है कि सोलर प्राइस पैरिटी पहुंच रहा है, मतलब उसका दाम सोलर से बिजली बनाने का दाम और कोल पावर प्लांट से बिजली दाम बनाने का दाम बराबर होने वाला है, लगभग पहुँच ही गया है। मतलब कितने पैसे पे पर किलोवाट आ रहा है लगभग मैच कर गया। इसीलिए आप हर दूसरे तीसरे दिन आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे 800 मेगावाट का प्लांट बन गया, यहाँ पे 2000 मेगावाट का प्लांट बन गया, अभी राजस्थान में 10000 मेगावाट का प्लांट बन रहा है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि दाम अब ऐसा होने लगा कि सोलर से बिजली बनाना कुछ साल में सस्ता हो जाएगा। कोल तो क्योंकि कोल का दाम बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका दाम सोलर का घटते जा रहा है, तो अब ये ऑल लगभग हो गई, ये अभी बहुत दूर है उससे। विंड के बारे में मैंने भी जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने कहा है कि विंड भी अभी सोलर से पीछे चल रही है, ये विंड से पीछे चल रहा है। मतलब इससे बिजली बनाना अभी बहुत महंगा है, ऐसा नहीं कि इससे आप पूरी दुनिया नहीं चला सकते, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा कि एंड में आप बोलोगे भाई क्षमा कर दो। अब वो भी छोड़ दीजिए, आप पहले लोन ही नहीं उठा पाएंगे जितना बड़ा लोन इसके लिए चाहिए। अब वो सब ठीक है, प्रिडिक्टेबल है, कंटिन्यूस है, सब ठीक है, लेकिन ये बंद हो जाता है जिस टाइम हाई से लो टाइड में ट्रांसफ़र हो रहा है, उस टाइम बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विब्रियम हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा सब चीज़, उस दरमियान आपका पावर लगभग ना के बराबर हो जाएगा, या सीधे समझिए कट ही कर दिया जाएगा पावर। तो कट होना पावर के लिए अच्छी बात नहीं, ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है जिस टाइम अगर पावर कट हो गया तो कुछ आपको रखना पड़ेगा एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड लेवल का एनर्जी स्टोरेज जिस पर मैंने वीडियो बनाया चुका हूँ, या तो कुछ तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर जब कट होगा या लो पावर में चला जाएगा तो उस दरमियान अगर पीक डिमांड आ गया तो आप गए। तो इसलिए ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना मतलब आप चाहोगे। तो हम भविष्य में क्या देखेंगे इसके बारे में, तो इसमें आप ये देखिए अभी बहुत R&D करना है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में ये गाड़ी अभी खुली है, दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। फिर इसके डिज़ाइंस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं और अभी और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और हम लोग का सबसे पहला काम, जो भी साइंटिस्ट इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम उनका है कि इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करें। कोई जाएगा ही नहीं, भले ये आप टरबाइन बना दिए, बोलते हैं 10 साल चलेगा, 10 साल खूब बिजली देगा, लेकिन इसको कोई खरीद ही नहीं पाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी के डिज़ाइंस में ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि सस्ते मटेरियल से बनाया जाए, टिकाऊ बनाया जा सके, लंबा बनाया जा सके, मेंटेनेंस फ्री बनाया जा सके, कि उसका दाम कैपिटल कॉस्ट कम किया जा सके। जब तक कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा इसका कोई मतलब नहीं है, जब कैपिटल कॉस्ट पे ही हमारा मेन फोकस है अभी, कि कैपिटल कॉस्ट को धीरे करो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टाइडल एनर्जी के बारे में। होप करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड ऑफ साइंस थर्सडे में, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।